हेलो दोस्तों, डिकोडिंग नेट जे आर एफ से मैं संदीप आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। मैंने मास्टर्स टाइम में थर्ड सेमेस्टर में नेट जे आर एफ किया था और कट ऑफ मार्क्स से मेरे 15% ज़्यादा नंबर थे और मैंने सेल्फ स्टडी किया था और मैंने जो तरीके अपनाए थे इतना अच्छा स्कोर करने के लिए, वो तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे स्कोर कर सकते हैं उतना। पेपर वन में मेरे 44 नंबर थे 50 में से, और वही तरीके मैं आपको बताऊंगा। अगर वो बेसिक चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर उन्हें पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएं तो पहले 4 घंटे वो उस कुल्हाड़ी की धार तेज़ करने में लगाएंगे जो उन्हें दी गई है। ऐसा ही कुछ करने की ज़रूरत है हमें पेपर वन के साथ। पेपर वन अच्छे से करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज़ करने की ज़रूरत है। हम सब मेहनत करना चाहते हैं, हम सब अच्छा करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? पहला है तो उसके लिए हम बेटर प्लानिंग करते हैं। पहले समझते हैं कि पेपर वन में क्या क्या है, कैसे होता है। पहला है आपको सेलेक्टिव रहने की ज़रूरत है। आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब सिलेबस देखेंगे, सिलेबस बहुत ही वास्ट है और उतना कवर करना, फिर उसको रिवाइज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। कोई भी किताब आप उठा के देखेंगे 500 पेजेस, 600 पेजेस, फिर उसको रिवाइज़ करना, प्रैक्टिस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए, सिलेक्टिव होने के लिए आप कैसे प्लान कर पाएंगे, उसके लिए आपको नेट जे आर एफ का जो पेपर वन है उसको समझने की ज़रूरत है। जब भी आप नेट जे आर एफ के पेपर को देखेंगे उसमें 4 लेवल होते हैं। पहला जो लेवल होता है ईजी होता है, उसके ऊपर एवरेज होता है, फिर डिफ़िकल्ट होता है, फिर हाई ऑर्डर होता है। आप कहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, अभी किस जगह पर सिचुएटेड है, उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। 50% जो होगा वो ईजी होगा, मतलब 25 जो क्वेश्चन हैं वो ईजी होंगे। उसके बाद जो 10 क्वेश्चन हैं, मतलब 20% जो है वो एवरेज होगा, और उसके बाद टफ और फिर हाई ऑर्डर। तो आपको अपने हिसाब से ट्राई करना है। अगर आपको लगता है कि आप 25 की रेंज से कम है तो आपको पहले इजी वाला जोन टच करना है, उसके ऊपर जाना है, फिर ऐसे ऐसे करके एक लैडर टाइप बना के फिर ऊपर जाने की कोशिश करें, वही बेस्ट तरीका है। अब ये तो आपने समझ लिया कि पेपर वन में होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं और कैसे होती हैं बातें, तो इसका आपकी प्लानिंग में क्या असर पड़ेगा। पहला है कि आपको कोई भी सेक्शन एज ए होल नहीं छोड़ना। जैसे हम लोग टीचिंग मेथड छोड़ देते हैं, रिसर्च मेथड बहुत लोग छोड़ देते हैं। कुछ लोग को लगता है कि मैथ्स बहुत वीक है उनकी, तो वो DI छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो आपने छोड़ दिया उसमें से भी इजी सवाल आ सकते हैं और उनको करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको अच्छा करना है तो आपको कोई भी सेक्शन एज ए होल नहीं छोड़ना है। जहाँ भी लगता है कि यार ये टफ है, इस सेक्शन में थोड़ा काम किया जा सकता है, ये बहुत ही टफ है, वो आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि 10% क्वेश्चन तो आपको आएंगे नहीं लास्ट में, मतलब 10% 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आएंगे, या आ भी जाएंगे तो बहुत रेयर केस होगा। तो आपको उसके पीछे अपना पूरा बर्बाद नहीं करना, आपको पढ़ते रहना है और सब पढ़ें। आप सारे सेक्शन टच करने की कोशिश करें, सब में से पढ़ें और वो प्लान करें। फिर दूसरा जो एक काम आपको करना है वो है अपने वीक और स्ट्रांग, जो स्ट्रांग जोन है उनको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको वो अंदाज़ा लग गया तो आपको लग जाएगा कि कहाँ पे हैं जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट जोन लगता है, और जो एकदम डिफ़िकल्ट होगा वो आप एक बार छोड़ने का सोचें। लेकिन एज ए सेक्शन होल ना छोड़े, तो अपने जोन आइडेंटिफाई करें, और जो भी दिक्कत आती है कि ये जोन स्ट्रांग नहीं है, ये जोन थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तब बेहतर प्लानिंग आप कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अब जो आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है, जहाँ पे आप 5 में से 3-4 कर दे रहे हैं मॉक टेस्ट में, उस पर बहुत ज़्यादा आप वर्क करने का ज़रूरत नहीं, बस हल्का सा प्रैक्टिस दे लें। लेकिन जो आपको लगता है कि यहाँ से नहीं हो रहे हैं सही, वो आप करें, क्योंकि उसमें मार्जिन आप ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। तो उस पर काम करें, जो काम थोड़ा मुश्किल लग रहा है उस पर करें। अगर एकदम ही मुश्किल है कि लग रहा है कि यार इसे करने के बाद मैं एकदम डिप्रेस हो जाता हूँ या फिर पढ़ने का मन नहीं करता, वो छोड़ दें। लेकिन कोई भी सेक्शन एज ए होल नहीं छोड़ना है, पहला जो काम है। क्योंकि बहुत लोगों को, जिन लोगों से मैंने बात करी, सबको ये दिक्कत है कि वो सोचते हैं कि अच्छा ये टफ है तो छोड़ देते हैं। वो नहीं करना है, वो करने से बहुत ज़्यादा नुकसान है और वो बिल्कुल नहीं करना है। DI से बहुत ईजी सवाल आ जाते हैं, रिसर्च मेथड से बहुत ईजी सवाल आ जाते हैं, कहीं से भी ईजी सवाल आ सकते हैं। मतलब हमने उनको पैसे थोड़ी दे रखे हैं कि अब यहीं से करो सही सवाल या यहाँ से ला के दो, ऐसा नहीं है ना। तो आप कहीं से भी आ सकते हैं, तो आपको सबके लिए तैयार रहना है और अच्छे से तैयारी करें, तभी बेहतर हो पाएगा। छोड़ना तो है ही नहीं, अगर आपको JRF चाहिए, आपको रिसर्च में आगे जाना है, तो छोड़ना नहीं है, ये पूरा तो छोड़ना ही नहीं है। आप पहले पढ़ेंगे फिर छोड़ेंगे, डिसाइड करके कि अच्छा ये अब नहीं हो रहा, तो तब कर सकते हैं। लेकिन तब तक आप एवरेज पहुंच जाने चाहिए। जब आपको लगे कि 35 तो मैंने टच कर लिया इसके आसपास, तब आप फिर डिसाइड करेंगे छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे,
उसके पहले कुछ छोड़ना ओड़ना नहीं है, उसके पहले बैठ के राजाओं जैसे नहीं रहना है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, और जो अगला वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि नेट पेपर वन करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है और नेट पेपर वन कितना इम्पोर्टेंट होता है, और अगर आपको डेली नए नए क्वेश्चंस चाहिए तो आप इंस्टाग्राम का पेज फॉलो कर सकते हैं, वहाँ डेली 10 सवाल डाले जाते हैं पेपर वन से और पॉलिटिकल साइंस से। और अगर आपको 1-to-1 सेशन चाहिए तो जो डिटेल्स दी गई हैं वहाँ पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।